हेलो दोस्तों, आरसी पे आपका स्वागत है और मैं हूं मुदित। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ऐप की जो काम आती है लोगो बनाने के, मतलब लोगो, थंबनेल्स वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन हैं उसमें। तो बेसिकली हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है थंबनेल की, कि यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। तो इस ऐप में और भी चीज़ें होती हैं, मतलब लोगो भी आप बना सकते हो और भी फेसबुक पोस्ट का भी, इंस्टाग्राम के लिए भी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। उसमें अलग अलग साइज़ दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके आप अपने हिसाब से अपनी एडिटिंग करके बढ़िया सा वो बना सकते हो और उसको फिर यूट्यूब पे डाल सकते हो। तो उसको देखने के लिए बने रहिए वीडियो पे, शुरू करते हैं। को जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे टाइप करना है लोगो पेट और ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं सीधा ओपन ही कर दूंगा। अब ओपन करके ये ऐप ओपन हो रही है, इसके बाद आप देखेंगे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको ये नहीं पूछेगा क्योंकि आपने पहले नहीं किया हुआ। तो ये इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपने क्या चीज़ बनानी है। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें बनाने का ऑप्शन है। तो इस पर हम लोग कर लेंगे थंबनेल पे क्लिक, तो फिर ये थंबनेल का फॉर्मेट ओपन कर देगा। ये एक्चुअली प्री डिफाइंड साइज़ होते हैं ताकि आपको बाद में एडजस्ट ना करना पड़े, क्रॉपिंग वगैरह ना करना पड़े। प्री डिफाइंड साइज़ है, सीधा वही फॉर्मेट आपको ब्लैंक कैनवास मिल जाएगा, उस पर आप अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कर दिया थंबनेल पे क्लिक, अब ये कुछ ओपन हो गया, कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं पहले से। आप चाहें तो बिल्कुल ब्लैंक पेज ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये प्री डिफाइंड जो आपको दिए हुए हैं इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, उन पर एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से प्री डिफाइंड जो दिया हुआ है उसी को ले लेता हूँ। तो इसमें मैं कर लूँगा एडिट, जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैं अपने हिसाब से इसमें से हटा लूँगा। तो अब मैं इसमें अपने हिसाब से एलिमेंट्स ऐड कर लूँगा जो जो मुझे चाहिए और जो मैं लिखना चाहता हूँ। टेक्स्ट वगैरह के सब ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे इसमें कर रहा हूँ, आप भी वैसे करके बना सकते हैं। मैंने सोचा पहले हिंदी का लिख लेता हूँ, बाद में इंग्लिश बीच में लिख दूँगा क्योंकि कीबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर मैं बीच में इंग्लिश में स्विच कर दूँ। तो इसमें आपको अलग अलग फॉन्ट्स दिख जाएंगे, फॉन्ट्स मतलब इंग्लिश के लिए हैं, हिंदी का तो सेम रहेगा मेरे, या मेरे में शायद डाउनलोडेड नहीं है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ अपने और भी उसमें ऑप्शन होते हैं करने के लिए। अब ये आउटलाइन बनाने के लिए है और नीचे वाला जो है इसे आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं आउटलाइन को, और अपने हिसाब से आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप रेड कलर में, मतलब आउटलाइन को कौन सा कलर देना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर हैं, साइज़ वगैरह आप कुछ भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसा आपको बनाना है। उसको शेडो भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे इस वीडियो में। अब आपको कोई भी इसमें इमेज ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक का लोगो डाल रहा हूँ, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपको सीधा लिखना है कि डाउनलोड फेसबुक लोगो PNG ज़रूर लिखना है। PNG में क्या होता है, वो आपको कटआउट मिलता है, सीधा बैकग्राउंड नहीं होता, तो सीधा आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी इस ऐप में वो भी ऑप्शन होता है कि आप बैकग्राउंड उसको इरेज कर सकते हैं, और वो थोड़ा टिपिकल लगेगा, तो आसानी है कि सीधा आपको मिल जाएगा। तो
तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने सीधे ही इसमें आपको पहले से ऐड कर दिया। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या हो सकता है, तो ये आप देखते रहिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। टेक्स्ट की साइज़, शेप, उसका अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए, जो आपके मतलब थंबनेल के हिसाब से मैच करना है आपको, जैसा लुक आप देना चाहते हैं। ये भी आप टेक्सचर दे सकते हैं उसको, बट यूट्यूब के लिए थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, तो एक सिंगल कलर बेस्ट रहेगा। अब जो कोई भी स्क्रॉल कर रहा है यूट्यूब पे, तो उसको दिखना चाहिए आराम से। तो ये कुछ कर्व दे सकते हैं उसको, उसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कैसे करना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें हैक जो लिखा हुआ है उसको मैंने अपने हिसाब से उसको डायगोनल लुक दिया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। ज़्यादा कुछ सीखने वाला नहीं है, आसान ऐप है, एक बार आप यूज़ करेंगे तो अपने आप समझ आएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको इसमें हाथ से एकदम सेट हो जाएगा। बढ़िया, सबसे मस्त फीचर जो मुझे लगा वो ये है, इसमें आप ऐसा लुक दे सकते हैं जैसे कि ये उसके साथ अटैच नहीं है, एकदम उसके ऊपर उठा हुआ है। तो ये लुक, ये मतलब ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने थंबनेल्स बनाने में, इससे एक अलग ही लुक आती है थंबनेल में। तो ये आप भी ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आपको मैं एक वो राय दूंगा कि इसको ज़रूर आप ड्राफ्ट ज़रूर सेव कर लीजिए, ताकि आपको बाद में उसको दोबारा से जब रिवाइज करना हो, कुछ भी उसमें चेंजेस करने हो, तो आराम से हो पाए, नहीं तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ड्राफ्ट में ज़रूर सेव कर लें उसको, पूरा सेव करने से पहले। और आप चाहें तो उसको PNG में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब के लिए JPG में ही करना है। तो बस यही था आज के वीडियो में, आप एक बार ऐप को ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आराम से थंबनेल्स बनाइए, लोगो भी बना सकते हैं। मैंने अपना जो RCE का लोगो है वो इसी ऐप से डिज़ाइन किया था, बट उसका मेरे पास वीडियो मैंने नहीं बनाया था, तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। तो दोस्तों आज के लिए यही था वीडियो में, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियो के। तो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। We'll be right back.